कॉन्ट्रैक्ट जो है बाज़ाहिर उन्होंने मुझे जो बताया 750 का है कुछ फैक्ट्रियों में, कुछ में 850 का कॉन्ट्रैक्ट। तो दो दिन छुट्टी है, दो शिफ्ट में मेरे ख्याल से काम उन्होंने मुझे बताया था। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 8 घंटे काम है, एक शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक 8 घंटे काम है। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग, होपफुली आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ उन दोस्तों को कि जो काम की तलाश में और जॉब्स नहीं मिल रही। तो आप लोगों को पता है पुर्तगाल में जो है काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, एक परेशानी तो खैर नहीं है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी है। तो इन परेशानियों को अगर हम सब एक दूसरे की हेल्प करके दूर कर सकते हैं तो ये भी एक सदका जारी है। तकरीबन एक हफ़्ते पहले जो है, या एक हफ़्ते पहले या 10 दिन पहले मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी कि लिस्बन के अंदर एक रेस्टोरेंट में और एक पब में काम है। शायद वो वीडियो देखने के बाद मुझे एक मेरे दोस्त हैं फेसबुक फ्रेंड, उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने मुझसे रابطہ किया और मुझे बोला कि माजिद भाई जॉब्स अवेलेबल हैं, अगर किसी को ज़रूरत हो तो आप रेफ़र करें, जॉब मैं लगवा दूंगा, कुछ रिक्वायरमेंट है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो जितने भी मेरे भाई मेरे दोस्त देख रहे हैं मेरे चैनल को, सबसे सिर्फ मेरी यही रिक्वेस्ट है, मैंने कुछ आपसे लेना नहीं है ना कुछ आप मुझे दे सकते हैं। अगर प्यार मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ तो आप मुझे प्यार के बदौलत जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, यही मेरे लिए मोटिवेशन है। जितनी ज़्यादा मेरी YouTube फैमिली होगी मुझे उतनी ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी वीडियो बनाने के लिए। तो बस यही रिक्वेस्ट आपसे करता हूँ और कुछ भी नहीं करता, लाइक कर दें, शेयर कर दें, ताकि यार ज़रूरत जिस बंदे को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। तो वलेंसा सिटी है पुर्तगाल के अंदर, तकरीबन लिस्बन से 6 घंटे की बस है, बस की जर्नी है। ओरिएंट से भी बस जाती है और सेतेरियुस से भी बस जाती है, जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे उन्हीं के लिए वीडियो है और उनको इन दो जगहों का पता होगा, सेतेरियुस और ओरिएंट, ये दो जगहें हैं जहाँ से जो है बस जाती है। और तकरीबन पोर्टो से 2 घंटे की और लिस्बन से 6 घंटे की जर्नी है वलेंसा सिटी की। तो काम जो है फैक्ट्री की जॉब है और उसमें मैं आप लोगों को बताता हूँ किस किस तरह की फैक्ट्री हो सकती है। देखिए फैक्ट्री एक बोट फैक्ट्री है, जो बोट असेंबलिंग होती है, शिप्स चलते हैं समंदर के अंदर उसकी असेंबलिंग होती है, वो एक कंपनी है। और दूसरी जो कंपनी है वो है अतुन, क्योंकि पुर्तगाल के अंदर मछली का काम बहुत है तो अतुन की पैकिंग, फिश जो होती है ना अतुन, उसकी पैकिंग की जॉब है। ये दो कंपनियों के बारे में मुझे उन्होंने बताया था और इसके अलावा मज़ीद और भी कंपनी हो सकती है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपनियाँ हैं। तो इस टाइम जो है वहाँ पे वर्कर्स की नीड है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको जॉब की रिक्वायरमेंट है उनके लिए जो है अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखें यहाँ पे काम मिलना बहुत मुश्किल है, अगर मेरे पास आज काम है, मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ, ये एक सदका जारी है, कल अगर मेरे पास काम नहीं होता और ये मेरी वीडियो के तवस्सुल से किसी की हेल्प हो जाती है तो मे भी पॉसिबल अल्लाह ताला मेरे लिए आसानी पैदा करें। तो यहाँ पे पुर्तगाल के अंदर, यूरोप पूरे के अंदर जो है 3 चीज़ों पे आपने कभी भी ट्रस्ट नहीं करना, 3 W पे, वर्क, वेदर और वुमेन। वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, काम आज है कल नहीं है, कल है परसों नहीं है, और वुमेन जो है ना वो तो एक जाएगी तो दूसरी आएगी, तो ये 3 W पे आपने कभी यकीन नहीं करना। तो जिन दोस्तों की फाइल लॉक है, रिक्वायरमेंट ये है, रिक्वायरमेंट 2 है, अगर आपकी फाइल लॉक है पुर्तगाल के अंदर तो आप एलिजिबल हैं काम करने के लिए, लेकिन अगर आपको पुर्तगीज आती है तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी पर हैं, आपका जाते साथ ही काम लग जाएगा। जिसको पुर्तगीज नहीं आती उसका काम लग जाएगा लेकिन 1 हफ्ता, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन ऐसे लग सकता है। और तकरीबन उन्होंने मुझे यही डिटेल दी थी, बिलाल नाम है उनका, मैं नाम इसलिए मेंशन कर रहा हूँ, मे बी पॉसिबल वो भी वीडियो देखें, तो अगर वो एक अच्छा काम कर रहे हैं तो लोगों को पता चलना चाहिए कि यार हाँ बंदा अच्छा काम कर रहा है, ना वो आपसे कुछ पैसे ले रहे हैं ना मैंने कोई आपसे पैसे मांगे। तो ये जॉब अपॉर्चुनिटी है, अगर आपका काम लग जाता है तो दुआ में याद रखिएगा। तो जिन भी दोस्तों को काम की ज़रूरत होगी वो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, और रिक्वेस्ट यही है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें,
इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं उस बंदे का आपको नंबर दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल पे बात कर लीजिएगा। इंशाल्लाह होपफुली अगर आपकी फाइल लॉक है तो आपको ज़रूर काम मिल जाएगा। और अगर आपको पुर्तगीज आती है थोड़ी बहुत, और क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है कुछ लोगों के पास कार्ड है बाकायदा रेजिडेंसिया के, लेकिन कुछ होता है इंसान को यार, कभी ऐसा टाइम आता है कि यार उसको काम नहीं मिल रहा होता। क्योंकि अगर आपके पास कार्ड है और आप थोड़ा सा प्लानिंग से चल रहे हैं तो यहाँ पे कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि शुरू में कार्ड तक ही मुश्किल है यहाँ पे। तो इसीलिए जो है कुछ लड़कों को मैंने देखा, वो उनके पास कार्ड है लेकिन वो फिर भी बेचारे थोड़े से परेशान हाल हैं, तो उनको थोड़ी बहुत आती है पुर्तगीज़। तो ऐसे और भी हो सकते हैं लोग, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। तो वलेंसा सिटी है जहाँ पे काम है, ये स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पे लगता है, वहाँ पे सारी फैक्ट्रीज़ हैं। और फैक्ट्री मैंने आपको बता दिया अतुन की है और बोट असेंबलिंग की फैक्ट्री है। कॉन्ट्रैक्ट जो है बाज़ाहिर उन्होंने मुझे जो बताया 750 का है कुछ फैक्ट्रियों में, कुछ में 850 का कॉन्ट्रैक्ट। तो दो दिन छुट्टी है, दो शिफ्ट में मेरे ख्याल से काम उन्होंने मुझे बताया था। एक शिफ्ट सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक 8 घंटे काम है, एक शिफ्ट दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक 8 घंटे। इसके अलावा जो है हफ्ता एतवार ऑफ है, क्योंकि पुर्तगीज़ के पास आप काम करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट जब आप काम स्टार्ट करेंगे तभी आपको इंशाल्लाह ताला मिल जाएगा, उन्होंने मुझे यही बताया था। और इसके अलावा जो है 6 महीने बाद जो है 12 दिन की छुट्टी है, हर महीने 2 छुट्टी आपकी सेफ होगी, साल में 24 छुट्टियाँ हैं आपकी विद पे होंगी, 12 महीने आप काम करेंगे 14 सैलरियाँ आप लेंगे। तो देखें जब यह मुझे पता चला, मैं वीडियो एक हफ्ते बाद इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जब भी आपको किसी इंसान की हेल्प करनी होती है ना, सबसे पहले इंसान देखता है अपने घर में कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, अपने रिश्तेदारों में तो नहीं है, अपनी फैमिली में तो नहीं है, अपने पड़ोसियों में तो नहीं है। ये हम लोगों का कल्चर है, हम लोग ये सबसे पहले देखते हैं कि यार अपने करीब में सर्कल में देखें। लेकिन मैंने बज़ाहिर ये नोट किया कि यार मैं सबको जो बता रहा हूँ ना, मैंने सबको बोला काम है, काम चाहिए, लड़के मैंने देखे पाकिस्तान से पैसे मंगवा के खा रहे हैं, मैंने बोला कि यार तुम लोग काम करो, माशाल्लाह हाथ पांव सलामत है, सब कुछ है तुम्हारा। तो मैंने ये बात नोट की पुर्तगाल में ना, एक तरह से ये भी सिस्टम मैंने नोट कर लिया है कि जब तक बंदे को टीका नहीं लगे ना, बंदा ठीक नहीं होता। तो मैं सबको फ्री में इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, मैं सबको फ्री में बता रहा हूँ कि यार आपको फ्री में मैं बोल रहा हूँ काम मिल जाएगा इंशाल्लाह, मैंने ना आपसे कुछ लेना है ना अगले बंदे ने आपसे कुछ लेना है। लेकिन लोग जो है ना, मेरे ख्याल से अब फ्री वाला कल्चर ख़त्म हो चुका है, वो मेरे ख्याल से जो आपको बोलेगा ना अपने 500,000 यूरो देना है, फिर वो बोलेंगे हाँ यार वाकई ये सही काम बंदा बोल रहा है, जो फ्री में बोल रहा है वो सही नहीं बोल रहा। मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने दोस्तों को बताया, मैंने बोला यार काम है करना है। तो जब मैंने नोट किया कि यार ये तो जब मैं अगर फ्री में हेल्प कर रहा हूँ उनकी, तो ये लोग राज़ी नहीं है कि मैं इनकी हेल्प करूं। और मैंने बोला मैं YouTube पर डाल देता हूं, अपने चैनल पे वीडियो अपलोड कर देता हूं, हो सकता है कोई मेरा भाई ऐसा हो कि यार जो ज़रूरतमंद हो किसी की हेल्प हो जाए। क्योंकि मैंने अपने सर्कल में तो देख लिया है कि यार लड़के जो है ना, जब तक टीका नहीं लगवाएंगे ना उनको चैन नहीं आएगा। पुर्तगाल बहुत डाटा कंट्री है, सही है, तो शुरू में अगर आप स्मूथली कदम रखेंगे तो फिर ही आप यूरोप के अंदर सही तरह से पांव जमा सकेंगे। अगर आपको टीका लगवाने की आदत हो गई तो फिर वो कभी नहीं जाने वाली। तो अब मेरी जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन हुआ करेगी, मैं अपने सर्कल को छोड़ कर सबसे पहले आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ, हो सकता है कोई भाई आगे शेयर करे, किसी की हेल्प हो जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है, बनिस्बत इसके कि यार मेरे को दुख हो कि यार मैं अगर फ्री में अपने दोस्तों की हेल्प कर रहा हूँ और वो पीरियड में ये सोच रहे हैं कि यार शायद 500 यूरो वाला बंदा जो है ना, जो हमसे 500,000 यूरो ले रहा है वो बंदा सही है, ये माजिद फ्री में बता रहा है ये बंदा ठीक नहीं है। तो होपफुली सबके लिए बेहतर होगा। आप सब दोस्त भी अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक हम सबके लिए बेहतर करेंगे। और इंफॉर्मेशन बहुत जल्दी आने वाली है, खुशखबरी भी आने वाली है आप सबके लिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में आप लोगों को पता चल जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे सिर्फ दुआएँ चाहिए आपकी, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।